खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां कोतवाली में पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से होमगार्ड की हालत खराब हो गई है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली का है। कोतवाली में तैनात होमगार्ड श्रीराम गंगवार निवासी फकड़िया बिंदुआ थाना देवरिया ने बताया कि कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी आराधना पटेल और अनुपम जबरदस्ती उसकी ड्यूटी सीओ के यहाँ लगा रहे थे, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं 12 घंटे की ड्यूटी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी ड्यूटी कोतवाली या अन्य जगह पर लगा दी जाए। दोनों के द्वारा उस पर दबाव बनाया गया कि अगर तुम सीओ के यहाँ ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित होमगार्ड ने इसकी शिकायत कोतवाल अशोक पाल से की और पत्नी की तबीयत ठीक न होने का हवाला दिया। उसके बावजूद भी उसकी एक भी नहीं सुनी गई। पीड़ित का आरोप है कि पिछले कई दिनों से दोनों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते आज प्रताड़ना से आप होमगार्ड की तबीयत बिगड़ गई। साथ ही होमगार्ड ने उपचार के लिए पूरनपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस दौरान अन्य होमगार्डों ने सीओ के फॉलोअर पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तबीयत हमारी इसलिए बिगड़ी, मेरी बच्चों बीवी की तबीयत खराब है, बरेली में इलाज चल रहा धीरेन्द्र कुमार अस्पताल में, तो आराधना पटेल हमसे परसों बोली कि तुम्हारे सीओ साहब ने जाना है तुमको। मैंने सर मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई है, 12 घंटे ड्यूटी वहाँ, आराधना पटेल बोली तुमको वहाँ जाना पड़ेगा। कल इन्हें मुझे दबाव बनाया मुझ पर, कल मैं यहाँ नहीं गया। उसके बाद इन्होंने आज अनुपम ने हम पे दबाव बनाया, मुंशी है, मैं इंस्पेक्टर साहब ने पेश हुआ अभी 11 बजे। इंस्पेक्टर साहब बोले अपने हिसाब देख लीजिए, आराधना पटेल ने इन्हें हम पे दबाव बनाया, हमारी तबीयत बिगड़ गई। इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, आराधना पटेल और अनुपम मुंशी ने, भाई तुमको जाना पड़ेगा, नहीं नौकरी नहीं करोगे तुम। पूरनपुर कोतवाली का मैं कंपनी नंबर 6 पर झंडा से आता हूँ, मेरा 1 किलोमीटर पड़ता है, पकड़िया बंदुआ पड़ता है, थाना दूरिया कला में।